अब अगला हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो है शहजाद, लाहौर में मौजूद हैं। शहजाद, शहजाद का पहले पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद शहजाद की आवाज भी सुनते हैं। समा की आवाज के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं शहजाद लियाकत, जो ताल्लुक रखते हैं लाहौर से। शहजाद पिछले 10 साल से बाकायदा नातख्वानी करते आ रहे हैं और समा के बेहद मशहूर हैं कि उन्हें मौका मिला बनो समा की आवाज के इस मुकाबले में हिस्सा बनने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद लियाकत है और मेरा ताल्लुक बदामी बाग लाहौर से है और मैं समा का बेहद मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका दिया। शहजाद के सिलेक्शन पर शहजाद के वालिद की खुशी भी काबिले दीद है और वो भी बेहद मशहूर हैं समा के। समा टीवी का बेहद मशहूर व ममनून हूँ कि इनकी मेहरबानी से इनके इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मेरा बेटा आया और ये तकरीबन 10 साल का था, ये नात पढ़ता था। मेरा बेटा बहुत अच्छा और बहुत अच्छा नात खां बनेगा। वालिद की तरह वालदा भी पुरुमीद और दुआ गो हैं कि उनके बेटे ही बनेंगे बनो समा की आवाज़। मेरा बहुत अच्छा बेटा है, इंशाल्लाह मुकाबला जीत के आएगा और गाड़ी लेके आएगा। आज वो अपनी आवाज़ से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं, आइए सुनते हैं शहजाद की आवाज़। शहजाद की आई डी है 14। खुशबू है दुआ, खुशबू से बयां हूं तेरे औसाफ हमीदा, तुझ सा कोई आया देता है गवाही, यही आलम का जरीदा।
किस मुंह से बयां हूं तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू सुभान अल्लाह। नक्शबंदी साहब कैफियत में चले गए, एक ही नाथ थी ना, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत पढ़ा, क्या खूबसूरत पढ़ा। अच्छा आप ये देखिए कि एक ही कलाम हमने एक बच्ची की आवाज में सुना, लड़की की, और एक कलाम हमने ये बात आजजी के साथ कह रहा हूँ, जरा बड़ी बात है ये। जरा जब हम पैकेजेस देखते हैं नक्शबंदी साहब, तो देखिए जिनके जिनके घरों में नजर आ रहा होता है, हमें मजबूती तौर पे नजर आता है कि ये आशिकों का घर है, वहाँ पे पढ़ने वालों का मजाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दोनों लड़कों के घरों को देखिए, उनके जो मजाज थे वो इस कदर मुख्तलिफ थे कि वो आमियाना जिस तरह के पढ़ा जा रहा है वैसा नहीं है, बिल्कुल ये तो आम है ही नहीं, खैर नाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इतने मुख्तलिफ थे, जगह बनाने का इसको अंदाज़ा था और इसको पता था कि मेरी रेंज कितनी है, कितनी ये है? उस रेंज तक जाता था, ये रिस्क नहीं ले रहा था, लेकिन ये जो रेंज थी जहाँ ये निचले सुरों में रहा है, जहाँ इसने ऊपर के ऑक्टेव्स देखे हैं, माशाल्लाह ताला, मैं कहता हूँ आज होना चाहिए था अमजद सावरी को, ये कितने खूबसूरत पढ़ने वाले ये बच्चे जो हैं, ये मेरी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि दोनों ही लड़के खूबसूरत पढ़ने वाले, अब वो किसी के जाने का भी दुख होगा, हम तीनों को भी यही परेशानी हो रही है कि इनमें से कोई एक बाहर होगा तो हमें दुख होगा, किसी के जाने का दोनों बहुत बिजी पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा दोनों में से, मुझे लगता है इस दफा जो वाइल्ड कार्ड है ना वो वाइल्ड तरीके से इस्तेमाल होगा। जी शहजाद को वोट करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाना है, लिखना है BSKA स्पेस दीजिएगा, शहजाद का आईडी नंबर 14 लिख, उसके बाद इनका नाम लिखिएगा और भेज दीजिएगा आप हमें 8126 पे। आपके वोट ही फैसला करेंगे कि शहजाद कराची तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं।